चुनाव में कौन सी पार्टी किससे चंदा लेके चुनाव लड़ती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर कोई पार्टी बिजली कंपनी के मालिक से चंदा लेके चुनाव लड़ेगी तो चुनाव के बाद बिजली कंपनी का मालिक आके कहेगा चंदा लिया था जी, बिजली के दाम बढ़ाओ, तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर कोई पार्टी जनता से पैसा लेके चुनाव लड़ेगी तो जनता चुनाव के बाद आके कहेगी जी चंदा दिया था, वोट भी दिए थे, बिजली के दाम घटाओ, तो दाम घटाने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी किससे चंदा लेके चुनाव लड़ती है। हम लोग जानते हैं कि कुछ पार्टियां इस देश के चंद लोगों से हजारों करोड़ों रुपए लेके चुनाव लड़ती हैं। तो चुनाव के बाद वो पार्टियां अगर जीतती हैं तो फिर उन्हीं लोगों के लिए काम, उन्हीं चंद लोगों के लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी जनता के पैसे से लड़ा था, जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ा था। इसीलिए आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद, दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे, क्योंकि हमने बिजली कंपनियों के मालिक से पैसा नहीं लिया था, जनता से पैसा लिया था। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति थी। बिजली का तो मैंने एक उदाहरण दिया, हर क्षेत्र पे इस तरह की बात लागू होती है। इस बार भी आम आदमी पार्टी आम जनता से चंदा लेके चुनाव लड़ेगी। आज मुझे ये ऐलान करने में बहुत हर्ष है कि आम आदमी पार्टी एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है, आई फंड ऑनेस्ट पार्टी कैंपेन, जिसमें हम देश की सभी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये चैलेंज है, आई फंड ऑनेस्ट पार्टी कैंपेन एक चैलेंज है। जो भी व्यक्ति इस चैलेंज को स्वीकार करता है उसे दो काम करने हैं। एक तो वो ये कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी को चंदा दूंगा, और दूसरा ये कि वो अपने 10 दोस्तों या रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए तैयार करता है। ये दो स्टेप्स हैं, क्योंकि ईमानदार राजनीति तो ईमानदार पैसे से ही चल सकती है। आज मैं सबसे पहले इस आई फंड ऑनेस्ट पार्टी चैलेंज को स्वीकार करता हूं, और सबसे पहला चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं, मैं लेता हूं। मैंने आज पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया है, और मैं 10 लोगों को आज पार्टी में चंदा देने के लिए इनवाइट कर रहा हूं और उनसे बात की है। पहले हैं श्री राजीव बजाज, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश के, मित्र हैं हमारे। गुलपनाग, जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं, पार्टी से जुड़ी रही हैं। डॉक्टर विपिन मित्तल, जो हमारे फैमिली डेंटिस्ट हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं। श्री सुभाष खंडेलवाल, जो कि मेरे मित्र हैं, व्यापारी हैं, बहुत बड़े दिल्ली के व्यापारी हैं। मेरा भाई मनोज केजरीवाल, मेरी बहन रंजना केजरीवाल, हांगकांग में एक NRI रहते हैं, अमित अग्रवाल, डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो कि USA में एक NRI हैं, हमारे मित्र हैं। अश्वति, जो कि मेरी कुलीग हैं, मेरे ऑफिस में काम करती हैं। मोहम्मद कासिम, जो कि एक लॉ के स्टूडेंट हैं। इन 10 लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, और आज मेरे साथ और भी कई 100 लोग देश भर में इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि कई 1,000 लोग देश भर में देश की राजनीति को साफ करने के लिए इसमें शामिल होंगे। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। Thank you.
अगर कोई प्रश्न है तो उन सबसे करेंगे। मेरे को 10 नाम नॉमिनेट करने थे, उसमें मैंने अपने दोस्तों के नाम दिए हैं, रिश्तेदारों के नाम दिए हैं, दो फेमस पर्सनालिटीज के नाम हैं, व्यापारियों के नाम हैं, स्टूडेंट्स के नाम हैं, पर अब सबको इन्वॉल्व करेंगे। फोन कर करके सबसे बात कर रहे हैं। ना, आप 10 रुपए भी दे सकते हैं। आप एक और चीज है, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक टेस्ट कीजिएगा, अभी 10 रुपए आप डोनेट करके देखिएगा, आपका ऑटोमेटिक 5 मिनट में वेबसाइट के ऊपर नाम आ जाएगा। सो इट्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट फंडिंग। ये अच्छा है, लोग आम आदमी पार्टी का पानी पीने के लिए भी चंदा दे रहे हैं। क्या पार्टी की कम हो रही है चंदा इकट्ठा, क्या रिसोर्सेज आपने बजट अपना ज्यादा बढ़ा रखा, लगातार पैसे की जरूरत के लिए इस तरह की कंपनी लॉन्च करना पड़ रहा है? देखिए सर, ईमानदारी का और सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, कांटों भरा होता है। पिछली बार भी हमने काफी मशक्कत की थी, तब पैसा आया था। एक तो लोगों का इस देश में विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं। पिछली बार करके दिखाया था, इस बार भी लोगों का विश्वास इस बार है कि यार जीत तो रही है आम आदमी पार्टी। और धीरे धीरे आप सब लोग प्राइवेट में बताते हो मेरे को कि माहौल बदल रहा है सर। तो जनता कह रही है इस बात की क्या गारंटी है कि मैं 20,000 रुपए दूं, कल को कहूं कि मैं रेसिडेंशियल इलाके में इंडस्ट्रियल यूनिट चलाता हूं और जो बिजली का कनेक्शन होगा वो डोमेस्टिक रेट से होगा और इस तरह के तमाम चीजें चाहती है लोकल कॉर्पोरेट और लोकल एमएलए जो कमिश्नर फेवर करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगला आपको देने वाला जनता जो 20,000 आपके साथ डिनर लंच में करता हो आके खड़ा हो जाके इस तरह का फेवर? 20,000 में तो फेवर नहीं मिलते ना सर, मिलते हैं ना उसी तरीके के फेवर। फेवर 20,000 करोड़ में मिलते हैं सर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप कोई आज आपको 1 करोड़, जितना हमारा टोटल बजट है ना पार्टी का, उतना तो ये एक एक आदमी खर्च देता है। जितने पैसे में पिछले साल हम 20 करोड़ रुपए में सारा चुनाव लड़े थे, 20 करोड़ तो इनका एक एक एमएलए खर्च देता है। तो ये लोग तो अब दिल्ली में मान लो 1,000 करोड़ खर्चेंगे, 2,000 करोड़ खर्चेंगे, तो इनको जो भी 100-200 करोड़ रुपया देगा वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ट्रांसपेरेंट फंडिंग है नहीं। आप लोग हमसे तो इतने प्रश्न पूछते हो, एक दिन बीजेपी से भी जाके पूछो भाई कितना पैसा खर्च किया था तुम लोगों ने, लोकसभा में कितना खर्च किया था, कहाँ से आया था, किसने दिया था, वो लोग बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते? बता देंगे तो पोल खुल जाएगी सारी की सारी। मेरा यही सवाल है कि
ये जो कैंपेन है इसका मतलब केवल चंदा इकट्ठा करना है या आप इसे एक पॉलिटिकल इशू के रूप में पेश करना चाहते हैं? दोनों है सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पॉलिटिकल इशू है सर। मैंने शुरू इस बात से किया था किस पार्टी को कौन चंदा देता है और उसका पैसा कहां से आता है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। ये अगर चंदा में इससे, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं बिजली, ये एग्जांपल है, कोई बिजली कंपनियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मैं बिजली कंपनी के मालिक से चंदा लूंगा तो तुरंत चुनाव के बाद आके वो कहेंगे अरविंद जी चंदा दिया था बिजली के दाम बढ़ाओ। मैं आपसे चंदा लूंगा, आप आके कहोगे अरविंद जी चंदा दिया था बिजली के दाम घटाओ। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। नो आई डोंट हैव टू स्क्रीन पीपल, हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट आज मान लो कोई भी चंदा देता है, हमें 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, 3 लाख देगा, वहां पे जो पार्टियां चंदा ले रही हैं वो 1000 करोड़ कोई दे रहा है, 1500 करोड़ दे रहा है, 200 करोड़, 300 करोड़ दे रहा है, हमारी तो उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम 20-25 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, हमें जरूरत नहीं, हम लेंगे नहीं उससे। पिछली बार आपको याद है 20 करोड़ का चंदा होते ही हमने बंद कर दी थी लेनी फंडिंग, 10 लाख से ऊपर हम 1 लाख रुपए में आप पार्टी को नहीं खरीद सकते। 20-25 करोड़ के करीब चाहिए, 20-25 करोड़ के करीब चाहिए, अभी वो तय नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूँ सबको, आप सब लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि हमें चंदा दे, रिश्तेदारों को बोलिए, दोस्तों को बोलिए, जरूरी नहीं सेलिब्रिटीज के पास जाने की जरूरत है। मैंने ऐसे ऐसे नाम बताए हैं जो कि हर आदमी कर सकता है, मैंने अपने दोस्तों के नाम बताए, अपने पड़ोसियों के नाम बताए, अपने रिश्तेदारों के, अपने बहन के। हाँ एक रह गया, अभी जब घर से निकला मेरी माँ ने कहा कि मैं भी चंदा दूंगी, मेरा भी नाम इंक्लूड कीजिएगा, तो मेरी माँ क्या था ना? बता दूंगा सर, अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है, बता दूंगा आपको सारा बता देंगे सर। फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीजेपी वालों से भी पूछिएगा उनका बिलबोर्ड का खर्चा कितना है। आप सारे प्रश्न हमी से पूछते हैं, उनसे कुछ नहीं पूछते आप। मैंने पूछा नहीं सर, अमाउंट नहीं पूछा, वो इन्होंने सर नब पकड़ ली, केवल पैसे का मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। 10 रुपए भी दे कोई, वो इस ईमानदार पॉलिटिक्स के साथ जुड़ रहा है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, ये स्वच्छ राजनीति अभियान है। हम इस देश की राजनीति साफ करने जा रहे हैं, और जब तक राजनीति साफ नहीं होगी तब तक भारत भी साफ नहीं हो सकता सर। भारत स्वच्छ तब होगा जब राजनीति साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।